आप करीब एक घंटे से ट्रैफिक में फंसे हैं। हजारों कारें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। बाहर झुलसा देने वाली गर्मी है और एयर कंडीशनर भी काम नहीं कर रहा है। फिर आपकी नजर आसमान में काले बादलों पर जाती है। बड़े बड़े बादल तेजी से आ रहे हैं। इन्होंने सूरज को ढक लिया है और इनसे बिजली चमक रही है। बारिश नहीं हो रही, सिर्फ बिजली कड़क रही है। हर सेकंड बिजली सड़क से टकराने लगी है। अब ये कारों पर गिर रही है और इलेक्ट्रॉनिक्स की सभी चीजों को यहाँ वहाँ बिखेर दिया है। जैसे ही आप खिड़की से बाहर झांकते हैं, काले बादल पूरे शहर में छा गए हैं। अचानक से आई ये आंधी चंद मिनटों में बंद हो जाती है। बादल जितनी स्पीड से दिखे थे उतनी ही स्पीड से छट भी जाते हैं। आपकी कार बंद हो गई है। आप इसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है। फिर गाड़ी के बोनट से जोर की आवाज सुनाई देती है। इसे देखने के लिए आप गाड़ी से उतरने ही वाले थे कि तभी बाईं ओर से आई एक कार आपकी कार के दरवाजे को जोर से धक्का मारकर बंद कर देती है। एक और झटका और पीछे से एक और गाड़ी आपकी कार के ट्रंक से भिड़ गई है। दाईं ओर से एक गाड़ी अचानक आपकी गाड़ी से दूर जा रही है, जैसे कोई इनविजिबल चीज दोनों के बीच आ गई हो। सिर्फ बाईं ओर को छोड़कर चारों ओर से आपकी गाड़ी को दूसरी गाड़ियों ने दबा दिया है। निकलने का रास्ता भी ब्लॉक हो चुका है। छत को पीछे खिसकाकर सीट पर खड़े हो जाते हैं। आसपास की कारों को किसी इनविजिबल पावर ने एक दूसरे के साथ कसकर चिपका दिया है। कुछ गाड़ियां खुद ही पलट रही हैं। रिकॉर्डिंग के लिए फोन निकालते हैं लेकिन ये भी बंद है। एक और मजेदार बात ये है कि फोन के पीछे कई सिक्के चिपके हुए हैं। पता नहीं कैसे पर ये किसी चुंबक की तरह जोर से चिपक गए हैं और शायद यही वजह है जिससे ये सभी कारें भी एक दूसरे से चिपक गई हैं। जैसे ही आप अपनी कार से बाहर निकलते हैं, फोन हाथ से छूटकर गिर जाता है और किसी फ्रिज से चिपकी मैग्नेट की तरह कार के दरवाजे से जाकर चिपक जाता है। शहर की सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो चुकी हैं। ट्रैफिक लाइट टिमटिमा रही है। एड बैनर के साथ भी यही हो रहा है और मेटल की सभी चीजें हिल रही हैं। एक दूसरे के बगल में रखे दो कचरे के डिब्बे भी हिल रहे हैं। बिजली की लाइन और लाइट एक दूसरे का करंट खींच रहे हैं। दुकान के दरवाजे इतनी जोर से बंद हो गए हैं कि उनका कांच ही टूट गया है। आसमान में पंछी बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। किसी को हवा एक ओर खींच रही है तो कोई गोल गोल घूम रहा है। अचानक तेज हवाएं और तूफान शुरू हो जाता है। ये इतना जोरदार है कि इसने घरों की छतें उड़ा दी हैं और कारों को भी हवा में उछाल दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी तबाही पर बनी फिल्म में भूकंप की जगह खड़े हैं। बाकी सभी के साथ आप भी सुपरमार्केट की ओर दौड़ते हैं और बीच में गिर जाते हैं। आपके पैरों तले जमीन हिल रही है। भूकंप के तेज झटके शुरू हो जाते हैं। मकान गिर रहे हैं। टूटी सड़क पर दरारें बन रही हैं। दरारें बहुत गहरी हैं और आप इसमें बस गिरते गिरते ही बचे। दूसरी दिशा में भागना शुरू करते हैं और लाइब्रेरी की बिल्डिंग के टूटे शीशे के ऊपर से कूद जाते हैं। लाइब्रेरी से सीधे छत पर पहुंचते हैं। भूकंप ने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया है। अचानक तूफान भी बंद हो जाता है। चारों ओर सन्नाटा पसर जाता है। बस समुद्र की ओर से पक्षियों के चीखने की आवाजें आ रही हैं। जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, पानी की आसमान छूती लहरें आपकी ओर आ रही हैं। बाढ़ कारों और छोटे घरों को बहा कर ले गई है, पर क्योंकि लाइब्रेरी काफी मजबूत थी, लहरें इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाई। लेकिन ये अभी भी विनाश की शुरुआत है। वाकई कुछ तो अजीब होने वाला है। तेज बारिश शुरू हो जाती है और आसमान काला हो जाता है। बारिश बाढ़ के पानी के बहाव को और तेज कर देती है। बारिश भी जल्दी रुक जाती है और बादल फिर से तितर बितर हो जाते हैं। आसमान इतना साफ हो गया है कि चांद और तारे दिखाई देने लगे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि 5 मिनट पहले ही तो दोपहर थी, फिर अचानक रात कैसे हो गई? अब आपका ध्यान सितारों की तरफ जाता है। वहां भी पीली, बैंगनी और हरी रोशनी चमक रही है। आपने इतने खूबसूरत ऑरोरा बोरियालिस ध्रुवीय ज्योति जीवन में पहली बार देखा है। चारों ओर अनगिनत रंगों की रोशनी आसमान में नजर आ रही है। आप इसमें इतने खो गए कि आपको पता ही नहीं चल पाया कि कब आपके पैर पीछे गए और भूकंप के जोर के झटके ने आपको नीचे धकेल दिया। आप जिस लाइब्रेरी में छिपे थे वे एक 4 मंजिला बिल्डिंग है। आप कुछ सेकंड तक गिरते हैं, पर शायद इतनी दूरी तो नहीं थी। पर यहाँ सबसे अच्छी बात ये रही है कि आपको चोट नहीं लगती। आप अपने शरीर को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। आप एक छलांग लगाते हैं और बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। तभी हवा का तेज झोंका आता है और आपको पंख की तरह उड़ा कर ले जाता है। और सिर्फ आप ही नहीं बल्कि हजारों लोग आसमान में उड़ रहे हैं। कार, पेड़, टूटे हुए घर सब 0 ग्रेविटी के कारण हवा में लहरा रहे हैं। हमारे ग्रह के भी कई टुकड़े हो चुके हैं और हर एक टुकड़ा हवा में लहरा रहा है। पानी की बूंदें आपके चेहरे पर पड़ती हैं। आप आराम से सांस ले रहे हैं, मतलब धरती का एटमॉस्फेयर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।
जमीन से जोर से आवाज आती है और अंतरिक्ष तक गूंज उठती है। इस बार आप खुद से सवाल कर रहे हैं कि ये सभी मेटल्स मैग्नेट में कैसे बदल गईं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि मैग्नेटिज्म धातुओं का खिंचाव काम कैसे करता है। कोई भी चीज हो वो मॉलिक्यूल्स अणुओं की बनी होती है। ये अणु एटम्स यानी परमाणु से बने होते हैं। परमाणु के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं और इलेक्ट्रॉनिक करंट से इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाती है। ज्यादातर पदार्थों में ये कण अलग अलग दिशा में घूमते रहते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चलने लगते हैं तो इससे उस पदार्थ में चुंबक वाले गुण आ जाते हैं। आसान शब्द में कहें तो इलेक्ट्रिक करंट से ही मैग्नेटिज्म पैदा होता है। कोबाल्ट, निकल और लोहे के इलेक्ट्रॉन्स एक ही तरफ चलते हैं, इसी वजह से ये मेटल्स मैग्नेटिक होती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक तरफा चुंबकीय बल से नहीं चिपक सकते, बल्कि इनके मैग्नेटिक पावर तब बढ़ती है जब ये किसी दूसरे मैग्नेटिक एरिया में पहुंचते हैं। इस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। सभी मेटल्स मैग्नेट में बदल गईं, मतलब ग्रह जितना बड़ा कोई मैग्नेट धरती के पास से गुजरा होगा। ये सुनने में सच नहीं लगता, लेकिन ये तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही चीजें मैग्नेट बनती हैं। जब आप कार में थे तो अचानक से पूरी धरती पर बिजली गिरनी शुरू हुई थी, इसी के बाद सारी परेशानियां शुरू हुई। सभी मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। अगर आप दो मैग्नेट्स को एक ही तरफ से आमने सामने रखते हैं तो वे एक दूसरे को दूर धकेलती हैं, लेकिन अगर नॉर्थ पार्ट को साउथ की तरफ रख दिया जाए तो वे एक दूसरे को खींचेंगी। इसीलिए कारें एक दूसरे से दूर हो रही थीं और कुछ आपस में चिपक गई थीं। ऐसे ही दो पोल हमारे ग्रह के भी हैं, इन्हीं में कंपास काम करता है। हमारा ग्रह भी एक बड़ी मैग्नेट ही है। इसके बीच के हिस्से में पिघली हुई मेटल्स घूमती रहती हैं, खासतौर पर निकल और लोहा। जोर से कड़कती बिजली के झटकों ने सभी मेटल्स के सरफेस को मैग्नेटिक बना दिया और ये जमीन के अंदर भी चली गई, जिससे इसका कोर पावरफुल एनर्जी में चार्ज हो गया और एक तरफ खिसकती लिक्विड मेटल स्पीड से आगे बढ़ने लगी। धरती के नॉर्थ और साउथ पोल से ही आकाश में उड़ते पक्षियों को दिशा पता चलती है, जबकि आंधी तूफान से पोल की नॉर्मल प्रोसेस गड़बड़ हो गई और यही वजह है कि पक्षी भी इतना अजीब बिहेव कर रहे थे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ नेविगेशन से काम नहीं आते, बल्कि ये धरती के चारों ओर एक प्रैक्टिकल लेयर यानी सुरक्षा कवच भी बनाते हैं, जो खतरनाक सोलर पार्टिकल्स और कॉस्मिक रेडिएशन से धरती की सुरक्षा करती है। लेकिन कभी कभी ये धरती की बाहरी परत में भी पहुंच जाते हैं और अलग अलग गैसों के साथ मिलकर रोशनी पैदा करते हैं, जिसे ऑरोरा बोरालिस कहा जाता है। जैसे ही धरती के कोर में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, प्रोटेक्टिव जोन भी गड़बड़ा जाता है और चारों ओर छोटे छोटे छेदों से रिसाव होने लगता है। तभी तो ये घटना दोपहर में घटी और फिर तेजी से रात हो गई, और ऐसा धरती के कोर के तेजी से घूमने की वजह से हुआ। बिजली के लाखों शक्तिशाली झटकों की वजह से जमीन के अंदर दबी मेटल्स तेजी से आगे खिसकती रहती हैं, जिससे धरती की अपनी धुरी पर घूमने की स्पीड भी तेज हो गई। रात भी बहुत जल्दी हो गई और फिर इसके बाद दिन भी जल्दी निकल आया। इसी हलचल से दुनिया भर में सुनामी और बाढ़ की शुरुआत हुई और हमारे ग्रह पर अराजकता शुरू हो गई। बड़े बड़े बादल बने और इनसे हजारों टन पानी बरसा। दुनिया के सभी हिस्सों के समुद्र और महासागरों में पानी का लेवल बढ़ गया और धरती में दरारें पड़ गईं। ग्रेविटी की वजह से ही हम जमीन पर रह पाते हैं, लेकिन जब धरती तेज घूमती है तो अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने लगता है। इमेजिन करिए कि आप किसी बड़े से झूले पर बैठे हैं जो बहुत तेज घूम रहा है। अगर आप रुके नहीं तो उड़ जाएंगे। ऐसे ही हमारा ग्रह भी एक झूले जैसा है। जैसे जैसे ये तेज घूमता है, आपका वजन हल्का होता जाता है, सभी चीजें हल्की होती जाती हैं और हवा में तैरने लगती हैं। धरती सभी चीजों को एटमॉस्फेयर से बाहर फेंक देती है। दुनिया भर में तबाही का माहौल बन जाता है। अच्छी खबर ये है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। गाड़ी के हॉर्न से आपका ध्यान टूट जाता है और फिर आप ट्रैफिक जाम से निकलते हैं।